चुनाव से पहले कांग्रेस का बढ़ा कुनबा। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हुए कांग्रेस में शामिल भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान प्रबोध तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अगले साल विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद पटनायक, प्रदेश के प्रभारी एच चल्ला कुमार और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व हॉकी खिलाड़ी ने आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले में तलसारा सीट से अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने तुर्की के कांग्रेस में शामिल होने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के कई अन्य पूर्व मंत्री और विधायक कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। तुर्की ने कहा कि वह राहुल गांधी के काम से काफी प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके परिवार का कांग्रेस से लंबे समय से जुड़ाव रहा है। तलसारा क्षेत्र के लोगों की उपेक्षा का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदाय को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता है। वह सब जूनियर और इंडिया ए टीमों के कप्तान रहे और फिर आखिरकार भारतीय हॉकी टीम की भी कमान संभाली। देश के लिए उन्होंने 135 राष्ट्रीय मैच में हिस्सा लिया। तुर्की को 2001 और 2009 में क्रमशः एकलव्य पुरस्कार और बिजू पटनायक राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।